दोस्तों, अगर आप उनके प्रशंसक हैं और ये जानना चाहते हैं कि वन प्लस का अगला फोन कब आएगा, उनमें क्या खूबियां होंगी, वो फीचर्स क्या क्या होंगे जो कि बाकी वन प्लस फोन से अलग होंगे, जैसे कि पहले मार्केट में वन प्लस सिक्स, वन प्लस सिक्सटी आया हुआ है, जिसमें वन प्लस सिक्स और वन प्लस सिक्सटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिक्सटी में बस उन्होंने नॉच का प्रयोग किया है और हेडफोन्स को हटा के उन्होंने जैक लगा दिया है, ठीक है। आगे आपको बताई जाएगी वन प्लस सेवन में के बारे में, जो कि जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूं बेहद ही अच्छी खबर वन प्लस सेवन के बारे में। वन प्लस सेवन के सारी स्पेसिफिकेशन मार्केट में आ गई हैं, जो कि अनुमानित हैं। मैं दोस्तों फिर से बताना चाहता हूं कि ये अनुमानित खबर है जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, इस ऐसी चीजें चल रही है मार्केट में कि ये चीज वन प्लस सेवन में अलग होंगी वन प्लस सिक्सटी से। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन प्लस सेवन के जितने भी स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या खूबियां हैं उसके बारे में, उसको मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है मोबी इंफोटेनमेंट। इसमें आपको मोबाइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो पुरानी हो, नई हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, सारी खबर आपको दी जाएगी। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं वन प्लस सेवन के इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। सो डेट, और यहां पे हम जा रहे हैं शुरू करने वन प्लस सेवन की सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वन प्लस सेवन में क्या क्या अलग है सिक्सटी से, वन प्लस सिक्सटी से, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और हम जा रहे हैं उसको शुरू करने। दोस्तों, सबसे पहले आता है स्क्रीन, जो कि मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्क्रीन। स्क्रीन में क्या डिफरेंसेस आए हैं वन प्लस सिक्सटी से सेवन में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। स्क्रीन जो है वो ऑप्टिक एमोलेड था, जो कि सिक्सटी में था, वही स्क्रीन यहां भी हुआ होगा। सेवन में भी ऑप्टिक एमोलेड स्क्रीन ही होगा, जिसमें रेजोल्यूशन अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छा है, कलरफुल कलर अच्छे आएंगे, विविड कलर है और बहुत शानदार दिखेगा आपको। लेकिन जो स्क्रीन साइज था सिक्सटी का, दैट वॉज 6.41 इंचेस, जो कि 6.41 इंच का था, जिसको बढ़ा के 6.5 कर दिया गया है सेवन में, वन प्लस सेवन में। क्यों किया गया है, कैसे हुआ वन प्लस सेवन ये 6.5, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि चिन्ह क्या कहते हैं, जैसे फोन के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम चिन्ह कहते हैं। आपको मैं एक फोटो के द्वारा समझा दूंगा कि चिन्ह जो होता है वो फोन के नीचे वाला जो पार्ट होता है, जिसमें आपको बैक बटन होता है या नीचे होता है, उसको हम चिन्ह कहते हैं। तो 60 में वो जो चिन्ह था या ऊपर जो चिन्ह था उसको हटा के 7 में चिन्ह को हटा दिया गया, पूरा स्क्रीन कवर कर लिया गया। इससे क्या होगा कि स्क्रीन की साइज बढ़ गई है, जो कि 6.5 अनुमानित है कि 6.5 होगी चिन्ह की साइज, नॉट चिन्ह की साइज, स्क्रीन की साइज 6.5 अनुमानित है। रिजोल्यूशन दोस्तों 2340x1080 ही होगा, जो कि 60 में भी था, और ये बहुत ही बड़ा चेंज है स्क्रीन के मामले में। दूसरी बात आती है नॉच। नॉच जो वन प्लस सिक्स में था उसको छोटा करके 60 में छोटा किया गया था, अब वन प्लस सेवन में नॉच का क्या किया गया है कि उसको एक जस्ट डॉट के तरह लगाया गया। डॉट का मतलब क्या है कि जहां कैमरा होगा वहीं पे वो नॉच दिखेगा आपको, जस्ट ओनली, और बाकी पूरा स्क्रीन होगा, जो कि पूरा आपको जो भी आप ओपन करते हैं साइट या जो कुछ भी खोलते हैं तो पूरा पूरा आपको शो करेगा, उसमें आपको थोड़ा भी कटिंग फटिंग नहीं आएगी और एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप साइट का व्यू करो। दोस्तों, अगली चीज है फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर क्या है, जैसे सिक्स में पीछे था, 60 में आगे किया गया, जो कि थंब था जो आप आगे लगा खोल सकते थे, सेम फीचर सेवन में भी होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया है। आपको बस स्क्रीन पे क्लिक करना है और आपका फोन अनब्लॉक हो जाएगा बाकी चीजों के लिए। रैम रैम में कोई डिफरेंस नहीं है, 6 GB रैम वहां भी था, 6 GB रैम यहाँ भी है। स्टोरेज के बारे में अगर बात करें तो स्टोरेज जो है 60 में 128 GB से स्टार्ट होता था, 128 GB, 256 GB एंड 512 GB। यहाँ आपको हो सकता है, अनुमान ये कहता है स्पेसिफिकेशन के बारे में, बहुत सारे सोर्सेज के मारे तो ये बाहर खबर निकल के आई है कि सेवन में जो स्टोरेज होगा हो सकता है कि 64 GB से स्टार्ट हो जाए। 64 GB इसलिए कि हमारा जो रेट होगा मोबाइल फोन का वो ज्यादा ना जाए। जैसे ही हमारा रेट जैसे ही हम स्टोरेज बढ़ाते हैं, मोबाइल का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो हमारा रेट आगे चला जाता है और जो कस्टमर बेस है, जो नीचे प्राइस में जो कस्टमर बेस है उसको नहीं टच कर पाती है कंपनी, इसलिए वो 64 GB में 6 GB रैम एंड 64 GB रोम, दैट इज स्टोरेज, उसके लिए फोन बनाएगी। और वो क्या होगा कि उसमें वो थोड़ा प्राइस उसमें कम होगा और 128 GB, 256 GB एंड 512 GB वो रहेंगे। ये अनुमानित है कि 64 GB में फोन आएगा। अगला है एंड्रॉयड वर्जन। एंड्रॉयड वर्जन क्या है, जो कि 60 में था वर्जन 9, ये भी यहां भी रहेगा, जिसको हम पाई भी कहते हैं वो यहां भी रहेगा। अब दोस्तों आते हैं हम, दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़े बदलाव क्या क्या हुए हैं सेवन में, 60 को अगर मद्देनजर रखते हैं तो सेवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। चिपसेट जो था वो था 845 स्नैक ड्रैगन, जो कि 60 में था। यहां पे इन्होंने क्या किया है, 855 जो लेटेस्ट
चिपसेट है उसको डाला गया है, जो लेटेस्ट, मैं दोस्तों फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि 855 स्नैपड्रैगन लेटेस्ट जो चिपसेट है उसको डाला जा रहा है। अगला प्रोसेसर, प्रोसेसर 2.8 गीगाहर्ट्ज का था, यहाँ 2.95 गीगाहर्ट्ज है। बैटरी दोस्तों जो 60 में 3700 एमएएच का हुआ करता था उसको बढ़ा के 4150 एमएएच कर दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा फोन चला ज्यादा फोन चलाने वालों के लिए, क्योंकि आप एक चार्ज में बहुत देर तक आप फोन यूज कर पाओगे, 4150 एमएएच बैटरी ज्यादा होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें वन प्लस सेवन में जो कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है वो है ट्रिपल रियर व्यू कैमरा। दैट इज, इसमें क्या है कि जो वन प्लस 60 था उसमें दो कैमरे हुआ करते थे पीछे, यहाँ पे तीन कैमरा होगा। ये अनुमान है कि तीन कैमरे होंगे। दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि अनुमानित है कि वन प्लस सेवन में तीन कैमरे होंगे, और तीनों की जो कैपेसिटी होगी वो 24 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल होगा। इससे क्या होगा कि हम हाई रेजोल्यूशन फोटो को क्लिक कर सकते हैं और वन प्लस 60 से अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स यहाँ पे आएंगी। जैसे कि आप जानते हो कि वन प्लस 60 में 20 मेगापिक्सल और 60 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा रियर में था, लेकिन यहाँ बढ़ा के 24, 12 और 8 मेगापिक्सल कर दिया गया है। दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा जो होता था वन प्लस 60 में वो 16 मेगापिक्सल का था, यहाँ पे बढ़ा के 24 मेगापिक्सल कर दिया गया। हाँ जी दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, जो वन प्लस 7 में फ्रंट कैमरा होगा उसको बढ़ा के 16 मेगापिक्सल, जो 60 में था उसको बढ़ा के 24 मेगापिक्सल किया जा रहा है। बहुत सारे सूत्रों का माने तो हो सकता है कि फ्रंट में दो कैमरे हों, ये भी हो सकता है, ये अनुमान है दोस्तों कि फ्रंट में दो कैमरे हो। मैं तो कंफर्म नहीं कर रहा हूं इस न्यूज को, लेकिन दो कैमरे हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी तक को अगर रिलायबल सोर्सेज माने तो 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा श्योर है। दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज क्या है वन प्लस 7 के बारे में, सबसे बड़ी न्यूज जो कि 60 से 7 को बिल्कुल अलग करता है, जैसा कि आप जानते हैं कि 60 में वन प्लस वालों ने क्या किया था कि वहां से हेडफोन का जो जैक था वो हटा दिया था, 3.5 जैक हटा दिया गया था। लेकिन बहुत डिमांड और बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद कस्टमर्स के हिसाब से उन्होंने फिर से दोबारा, हाँ जी दोस्तों, दोबारा जैसे 6 था वैसे ही 3.5 जैक का उन्होंने वापस कर दिया है 7 में, और आप वन प्लस 7 के अंदर 3.5 जैक पाएंगे। सो हेडफोन जैक आपका बैक हो रहा है वन प्लस 7 के साथ, और इससे आपको क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी चार्जिंग करने के दौरान, आप चीजों को सुन सकते हो बिना ब्लूटूथ के, बिना किसी चीज के। हो सकता जो वेट होगा फोन का 186 ग्राम 60 था, हो सकता है 190 ग्राम से लेके 180 ग्राम के बीच में होगा। या ड्यूअल सिम होगा फोन, जो कि ड्यूअल सिम पहले भी था, वाटर रेसिस्टेंट जो पहले फोन था वो भी, ये भी वाटर रेसिस्टेंट होगा। दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फोन जो है, फोन का अराइवल मई 2018 होगा। कुछ लोग कह रहे हैं मार्च में आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं अप्रैल में आ जाएगा। तो दोस्तों फोन जो है मार्च से लेके मई के बीच में कभी भी आ सकता है, और आने वाले टाइम में 770 फोन आएगा जो, और आप वहां फोन बाई कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आने वाले मई के कुछ दिनों बाद 70 मोबाइल 70 लॉन्च करे, तो 70 में क्या खूबियां होंगी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहां तक अभी सोर्सेज माने तो हो सकता है कि 70 में 5G आए, 5G। हाँ जी दोस्तों, अभी इंडिया में 5G नहीं चल रहा है, 4G की फोनें चलती है ज्यादा, 5G में क्या होगा कि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, इसलिए 7 के अंदर उन्होंने 5G नहीं डाला है, 70 में वो 5G डालेंगे। चांसेस ऐसा है, अनुमान ऐसा है कि 7 में वो 70 में वो 5G डालेंगे। दोस्तों इनकी आपको बहुत उत्सुकता होगी कि इस फोन की प्राइस कितना होगा, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो फोन का प्राइस होगा वो वन प्लस 7 के 60 के मुकाबले ज्यादा ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वन प्लस 660 अगर आप 40,000 के रेंज में है तो ये भी 40,000 से 45,000 के बीच का फोन होगा, जो कि आपको बहुत सारे चीजों के साथ उपलब्ध होगा, जो 60 से बहुत अलग होगा। तो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप पहले अवगत हो जाए कि यह नया मार्केट में आने वाला है, आप पहले विचार कर ले चीजों के बारे में जो खरीदने जा रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए और ये आने वाले टाइम 2-3 महीने में आ रहा है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मैं एक चीज खरीद लूंगा। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एकदम मेरा नया चैनल है और मैंने बस जेन्युइन तरीके से ये शुरुआत की है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जितने ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके, जितनी भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उतना दे सकूँ, और आने वाले समय में मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के डाल सकूँ। आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा ज्यादा फैलाएं। इसके बाद जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा,
जो भी आपके आपके कमेंट्स होंगे उसके उसके हिसाब से मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। और जो कुछ भी आपको पूछना है, नया आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए फोन से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या एंड्रॉयड फोन से रिलेटेड, आईफोन से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट कीजिए या फिर लिंक में मैं आपको एक मेल आईडी दे रहा हूँ, वहां मेल कीजिए। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन 24 घंटे के अंदर आपको उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।